नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिस्ट्री ऑफ फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड पे जो भी SMD कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया या फिर मॉस्फेट हो गया, डायोड हो गया, तो ये जो कंपोनेंट्स है, अगर देखिए मैक्सिमम हमें परेशानी क्या होती है कि कोई जैसे IC हो या फिर मॉस्फेट हो, तो मैक्सिमम हमें दिक्कत यही होती है कि सेम कंपोनेंट जो है, सेम मॉस्फेट जो है, हमें तुरंत मतलब मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम कैसे अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स उसमें यूज़ करें। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी ठीक है, चलो आपका अगर शॉप सिटी में है, आप मेजर सिटी में आप काम कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आप किसी गांव में, छोटे से गांव में अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, तो आपको बहुत परेशानी होगी कि आपको सेम कंपोनेंट मिलना, मतलब वो काम आपका तुरंत नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको मतलब वो मंगवाने के लिए, उसको काम कराने के लिए आपको 8-10 दिन, 15 दिन भी उसमें लग जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो देखिए हमें आप अगर गांव में से हो, छोटे से गांव से हो, और वहां पे आपको ये कंपोनेंट्स नहीं मिलते हो, तो देखिए अल्टरनेटिवली हमें कुछ तो सर्च करना ही होगा, हमें ढूंढना ही होगा ना, कि हमें अगर ये डायोड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो और मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, जैसे अगर आप 50 किलोमीटर दूर आपके गांव से भी किसी छोटे से अगर सिटी है, कोई छोटी सिटी है, आप वहां पे जाते हो और वहां पर भी आपको तुरंत वो नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में आप पैनिक हो जाते हो कि यार कुछ ऐसा अल्टरनेटिव होता कि इसके जगह पर हम ये कंपोनेंट इस पे लगाए। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें रिसर्च करना होता है। अगर आप रिसर्च करते हो, मतलब थोड़ा सा उसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर आप देखते हो कि अल्टरनेटिवली हम कौन सा यूज कर सकते हैं, और ऐसे अल्टरनेटिवली भी बहुत सारे यूज होते हैं और वो काम भी करते हैं, काफ़ी हद तक वो काम भी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है, बस आप इतना करोगे तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आपको अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स अगर यूज़ करने हैं, तो अल्टरनेटिव कंपोनेंट्स भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे अगर आप लैपटॉप का मदरबोर्ड रिपेयर करते हो या फिर डेस्कटॉप का मदरबोर्ड आप रिपेयर करते हो, तो सबसे ज़रूरी बात है कि कम से कम 20 से 25 जो मदरबोर्ड है, वह मतलब 5-6 जैसे 2-3 साल पुराने, 5-6 साल पुराने, 5-6 10-1 साल पुराने, ऐसे आपके पास एक 20-25 मदरबोर्ड का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, जो कि डेड मदरबोर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास ये अल्टरनेटिव आपके पास अगर अवेलेबल है, तो ही आप मतलब आपको आपका 95% तो मैं बोलता हूँ कि आपका काम हो जाएगा, आपको तुरंत नया कंपोनेंट जो हो वो परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके पास वो हमेशा अवेलेबल रह सकता है, मतलब ये आपको एक अल्टरनेटिव कंपोनेंट का आपको आपके पास एक सोर्स रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसे कंपोनेंट दिखाऊंगा कि अल्टरनेटिवली हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे हम उसे सर्च करें, कैसे हम देखें कि ये कंपोनेंट हमारा, इस कंपोनेंट के जगह पर हमारा काम कर सकता है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं वो कैसे करना है हमें, लेट्स गो। ओके, तो ये एक मदरबोर्ड है, और जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ही लेंगे हम के, देखिए अभी ये जैसे होल्ड इन सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है,
ये क्या है, ये होल्ट इन सेक्शन है, और यहाँ पे ये होल्ट इन सेक्शन का ये मेन मॉसफेट है, ठीक है। तो ये जो मेन मॉसफेट है, अगर मतलब ये ख़राब हो चुका है, यूँ समझ लो कि ये ख़राब हो गया है और हमें ये चेंज करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट का नंबर क्या है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो मॉसफेट है, सेम प्रॉपर्टीज़ वाला मॉसफेट हमें चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अभी इसका जो जानकारी है वो ले लेते हैं गूगल से, गूगल में सर्च करके कि ये जो मॉसफेट है इसका प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये कितना होल्ड का है और कितना एन चैनल है या पी चैनल है, ठीक है। तो देखिए अभी ओके, तो ये जो मॉसफेट जो है, तो जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है ये 4433 ये मॉसफेट है, इसका जो नंबर है वो क्या है, 4433, ठीक है। देखिए उसके नीचे जो नंबर है वो तो उसे बैच नंबर एक्चुअली होता है वो, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन नंबर है वो ऊपर का जो है 4433, ठीक है। तो चलो फिर अभी हम देखते हैं लैपटॉप पर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ओके, चलो फिर अभी देखते हैं कि जो मॉसफेट है, हमने जो देखा था होल्ट इन सेक्शन का जो मॉसफेट है, देखिए यहाँ पे तुरंत आ गया यहाँ पे मॉसफेट करके, चलो इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपको डेटा शीट इसका जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चलो इस पर क्लिक कर देते हैं, ओके। देखिए ये एक पी चैनल एनहेंसमेंट मोड फिल्ट इम्पैक्ट इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मतलब ये पी चैनल मॉसफेट है, क्या है ये पी चैनल मॉसफेट है, ठीक है। और अभी इसका जो आप देखोगे फीचर्स देखोगे, क्योंकि यही फीचर्स हमें दूसरे जो भी आप कंपैरेटिव इसका जो मॉसफेट होगा उसमें देखोगे, तो हमें वही जो फीचर्स है उसमें भी यही चाहिए, ठीक है। जैसे अभी इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो वी जो वोल्टेज है उसको, देखिए यहाँ पे देख सकते हो -30 वोल्ट है ये, और इसका जो एम्पियर है वो कितना है, -11 एम्पियर, ठीक है। और बस ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है इसमें, इसका मतलब दूसरा हमें कंपेरेटिव देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल भी है, बस इसे थोड़ा सा मैच कर लो, अगर ये इसका जो प्रॉपर्टीज़ है अगर दूसरा वाले मॉसफेट से मैच होता है तो फिर आप ये लगा सकते हो वहाँ पे, ये वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। बस ध्यान में क्या रखना है कि ये पी चैनल होना चाहिए, और दूसरी बात उसका जो वोल्टेज है वो -30 वोल्ट, और एम्पियर जो है वो आपका होना चाहिए 11 एम्पियर, ठीक है। तो चलो फिर अभी दूसरा एक मदरबोर्ड सामने लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इसका कंपेरेटिव कोई दूसरा मॉसफेट मिलता है या नहीं, ठीक है। तो अभी हम दूसरा एक मदरबोर्ड लेते हैं और देखते हैं, जैसे अभी ये एक मदरबोर्ड है, और देखिए जैसे कि वो जो मॉसफेट था वो उसका जो होल्ट इन सेक्शन था, जहाँ से होल्ड इन होता है उसी सेक्शन में हमें ज़्यादातर देखना है कि मॉसफेट हमें वहीं पे वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये जो है ये इसका यहाँ पे होल्ट इन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक मॉसफेट था ये तो एडर निकला हुआ है, लेकिन इसके बाजू में देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलो इसका देख लेते हैं कि इसका जो नंबर क्या है, अगर ये इससे मैच
अगर करता है तो हम ये लगा सकते हैं। तो ये जो मदरबोर्ड है, चलो अभी एक्चुअली यहाँ पे जो इसका होल्टीन सेक्शन है, यहाँ पे ये जो मॉसफेट है इसके ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे सब निकल गया है। उसका ऊपर का जो भी नंबर था यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दिख रहा है नंबर, लेकिन ये अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है, चलो हम क्या करेंगे कि इसका जो ये नंबर है, पार्ट नंबर NIWE1LA-5751P, ये जो नंबर है इसका स्कैमेटिक निकाल कर हम देखेंगे कि ये जो दो मॉसफेट है यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे है एक PU10, कौन सा है ये PU10 है, और दूसरा जो है यहाँ पर ये है, यहाँ पे है उसका नंबर U19 नंबर है इसका। ठीक है, PU10 और U19। चलो फिर देखते हैं, नंबर है NIWE1 और आगे जो है LA-5751P, यही नंबर है। चलो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे इसके जो स्कीमेटिक हमें निकालना है, स्कीमेटिक को तो यहाँ पे अभी हमें ये क्या स्कीमेटिक यहाँ पे मिला है, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये स्कीमेटिक जो है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ से इसे डाउनलोड कर लो। चलो अभी इसको मैंने डाउनलोड किया, तो अभी हम सर्च करेंगे PU10। ठीक है, देखिए PU10 हमने सर्च किया, PU10 ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये PU10 यहाँ पे ये जो मॉसफेट है, तो ये जो मॉसफेट है इसका नंबर है LM393 DG। क्या नंबर है? LM393 DG। तो यही नंबर हम सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, इसका जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। ठीक है, LM393 DG। देखिए यहाँ पे है ना LM39, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, तो अभी इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये क्या है? लो ऑफसेट वोल्टेज ड्यूल कंपैरेटर। ठीक है, तो ये तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें चाहिए ये पी चैनल मॉसफेट, ये एक्चुअली वो कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, इसको हम अभी दूसरा हम सर्च करेंगे। दूसरा जो था वो कौन सा था नंबर? वो नंबर था U19। ठीक है,
U19, ओके U19, U19 ये यहाँ पे एक देख सकते हो आप, चलो इसका पार्ट नंबर जो है ये ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, तो जैसे कि हमने ये मॉसफेट भी देखा, ये मॉसफेट ये भी देखा, लेकिन ये अलग कंपोनेंट्स है, ये एक तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, और ये जो है ये मॉसफेट ही है, लेकिन ये अलग काम के लिए है। और फिर अभी चलेंगे हम दूसरा, और एक आईसी है उसके पास चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये PQ34 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये PQ34। चलो फिर इस पे नंबर देखने की कोशिश करते हैं, इसमें नंबर हमें मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। PQ34 है, चलो हम स्कैमेटिक है हमारे पास, स्कैमेटिक में देख लेते हैं। तो देखते हैं फिर के जो हमने देखा अभी मॉसफेट, उसका जो नंबर था वो PQ34 था, ठीक है। PQ34 अभी हमें सर्च करना है, PQ34 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख लो एक बार, PQ34 PQ29, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये PQ34 है और ये इसका नंबर है। इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस से हम गूगल में जाएंगे, और गूगल में जाने के बाद वहाँ पे हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो है वो स्कैमेटिक आ जाएगा, ठीक है, स्कैमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है मॉसफेट, ये हमारा पहले का मॉसफेट है, ये पी चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट जो है ये हमारे अभी हमें ये मतलब ये मॉसफेट के बदले में हमें दूसरा मॉसफेट लगाना है ना। तो इसका जो फीचर्स है वो क्या था, इसका वोल्टेज कितना था -30 वोल्ट, और एम्पेयर कितना था -11 वोल्ट, और ये कितने मिली एम्पेयर मिली ओम में काम करेगा, ये 14 मिली ओम पर ये काम करेगा, ठीक है। और जो दूसरा है हमने अभी जो देखा, आप देख सकते हो ये यहाँ पर भी पी चैनल, यहाँ पे ये मॉसफेट इसको कहा गया है, और ये भी -30 वोल्ट और -11 एम्पियर, और ये 13 मिली ओम का ये इसका रेजिस्टेंस इसके अंदर है, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, एक तो ये 30 वोल्ट -30 वोल्ट है, ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो -30 वोल्ट है, यहाँ पे -11 एम्पियर इसका करंट ये कंज्यूम करता है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो -11 एम्पियर का ये करंट जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ये 30 में यहाँ पे मेगा ओम का है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितना 14 यहाँ पे मेगा ओम का ये काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये वाला जो है A04433 की जगह पर इसको आप रिप्लेस इस मॉसफेट से कर सकते हो, ये मॉसफेट आप वहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है।